हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक नया वीडियो लेके आपके पास हाजिर हूँ जो कि LG है, 22 इंच का टीवी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें दो प्रॉब्लम है जो मैं आप लोगों को इस पे दिखाना चाहता हूँ। जो पहला प्रॉब्लम है इसका, आपका जो स्क्रीन जो है वो उल्टा करके आ रहा है। ये देख सकते हैं, स्क्रीन उल्टा करके आ रहा है। तो मैं पहले आपको इसका एक ही पार्ट दूँगा क्योंकि इसमें उल्टा स्क्रीन वाला जो प्रॉब्लम है उसको मैं सही करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, और उसका जो सर्विस मेनू का रिमोट है वो मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा वो भी मैं आप लोगों का इस वीडियो में कंप्लीट दिखाऊंगा क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से देख सकते हैं LG लिखा नीचे आ रहा है और स्क्रीन भी उल्टा होके आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से रिपेयरिंग कर सकते हैं इसको, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि मैंने इसको खोल के रखा हुआ। अभी फ़िलहाल देख सकते हैं आपको, मैंने खोल के रखा हुआ ये सेट। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, से आपको मुद्दे की बात करता हूँ कंप्लीट। इसमें कुछ अलग प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन नहीं करूँगा, सिर्फ उल्टा स्क्रीन आ रहा है उसके लिए ही इस वीडियो है, तो सिर्फ उसको ही आप लोगों को दिखाऊंगा। डायरेक्टली वीडियो लंबा नहीं करूँगा, ये सिर्फ एक शॉर्टकटली फॉर्म आप लोगों को दिखाऊँगा और उससे काम बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कैसे आया उल्टा, क्यों आया, उस मुद्दे पर हम लोग नहीं जाएंगे। वो आ जाता है, कई कारण ही आ जाता है, पता नहीं है कस्टमर के घर में कैसे कैसे आ जाता है, मुझे भी नहीं मालूम। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्लीट वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं R24 का एक रेजिस्टेंस दिया हुआ था यहाँ पर, जो इस टाइप का था, जो R4 के स्टाइल में था, जो ब्लैक कलर का था, वो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ से अभी खोल कर रखा हूँ। आप लोगों का सेट में यहाँ पर होगा ये R24 रेजिस्टेंस की जगह एक इस टाइप का ब्लैक कलर का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने वो रेजिस्टेंस अभी फ़िलहाल खोल के रखा हूँ और इस जगह पर मैं अभी क्या करूँगा आप लोगों को दिखाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो रेजिस्टेंस मैंने खोल के रखा हूँ ये वाला रेजिस्टेंस है जो यहाँ पर लगी हुई थी, जो मैंने अभी निकाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैंने रेजिस्टेंस को ऑलरेडी खोल दिया हूँ, अब इसको कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको बाहर फेंक दिया रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो ये जगह पर अभी हम जम्पर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जम्पर करेंगे एक पतले तार से, यहाँ तक जम्पर कर देंगे फ्रेंड्स, उसका बाद में ये सेट ओके हो जाएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे पास सर्विस मोड रिमोट होता तो मैं ये कर लेता जल्दी से बिना खोले। ठीक है, तो अभी सर्विस मोड का रिमोट नहीं है, फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके कारण ये मैं जल्दी से जम्पर कर देता हूँ, उसका बाद में दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम, अब ठीक होगा या नहीं होगा, कंप्लीट आपका आँखों के सामने होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दिखाऊँगा आपको कंप्लीट। हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं मैंने एक पतले तार से उसको जम्पर कर दिया हूँ, जो कि आपका R24 रेजिस्टेंस है वहाँ पर मैंने इसको जम्पर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको देखा तो आप लोग अच्छे से ये देख सकते हैं, मैंने पतले तार से R24 के जगह जम्पर किया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग बहुत ही बारीकी से कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी चलिए मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ इसका, सही हुआ कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर सही हुआ है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं इसको पावर दे दिया हूँ अभी। ठीक है, पावर देने के बाद अभी देखता हूँ ये स्क्रीन सीधी हुई के नहीं। ये देख सकते हैं दोस्तों, नो सिग्नल आ रहा है, बिल्कुल सीधा हो चुका है। ये देख सकते हैं नीचे LG और नो सिग्नल आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं सिर्फ एक जम्पर से ये सेट ओके हो चुका है फ्रेंड्स। तो क्या ख्याल है आप लोगों का, सर्विस पोर्ट नहीं होने पर भी टीवी ओके हो गया। ठीक है, तो ओके बाय बाय, अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए जरूर। और ये आसान सा टॉपिक था आपके लिए। ठीक है।